होंठ देखा, ऋषि ऋषि लो लो लो। उसको भी चिकन करी का भी कपड़ा पहनाया है, अपने चिकन करी नहीं दिया मेरे को। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है पंचमी, आज शुभ पंचमी है। ओ माय गॉड, आई कांट इमेजिन कोलकाता में कितना मतलब दुर्गा पूजा का फेस्टिव वाइब जो है वो सब चल रहा है। ऑल दो दिस टाइम कोलकाता पे बहुत बारिश हुई है और जो डैम है ना उसका भी पानी छोड़ा है, तो हमारे जो जगह है जो कुबुटना एंड उसका सराउंडिंग जो एरिया है वो बहुत जगह पे पानी भर गया है, काइंड ऑफ फ्लड सिचुएशन है। तो हर जगह पे तो वो हैप्पी दुर्गा पूजा वाला वाइब्स भी नहीं है, और भी बहुत कुछ चल रहा है कोलकाता में। अब लोग न्यूज़ पे तो सुना ही होगा कि बहुत सारी इशूज़ भी चल रहे हैं, बट हाँ दुर्गा पूजा इज दुर्गा पूजा। ऑल दो इट इज़ नॉट सेम फॉर एवरी वन, बट स्टिल मन में एक खुशी तो होती है, एक शक्ति और एक क्या बोलूँ, एक अलग सा एक वाइब आता है कि जब माँ दुर्गा घर आते हैं, उनके मायके में आते हैं, और हमारे दिल में भी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे होप्स, बहुत सारे यू नो खुशी, और उसके साथ साथ आई होप कि माँ दुर्गा जब तक वापस जाए तब तक जो सारे जो चीज़ें हैं जो जिसमें हम उलझ रहे हैं, जिसमें हम फाइट कर रहे हैं और जिसमें भी हम खुश नहीं हैं, जितना भी नेगेटिविटी है ऑल टुगेदर जितना भी नेगेटिविटी है, माँ दुर्गा जब जाए वो सब हम सब से वो नेगेटिविटी दूर करके हम ये हमारा जो ये यूनिवर्स है इसमें से पूरा ये नेगेटिविटी दूर करके लेके जाए। सो या विद दैट पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। आज पता है इतना अच्छा अच्छा क्यों बातें निकल रही है, क्योंकि आज मैंने सुबह 5 बजे उठी हुई हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही मैं उठी हूँ 5 बजे, इससे पहले भी मैं उठती थी 5 बजे, लेकिन आज मैं व्लॉग कर रही हूँ और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक्चुअली 5 बजे उठी हूँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है पता है। और 5 बजे उठने के बाद कुछ मेरा मॉर्निंग रिचुअल है जो मैं कर रही हूँ। एक्चुअली अभी मैं लाइफ को थोड़ा सा यू नो स्केड्यूल में डालने के लाइफ को थोड़ा सा स्केड्यूल में डालने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा यू नो कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि यू नो थोड़ा सा अच्छा रहे, सब कुछ सिस्टमेटिक वे पे रहे। क्योंकि मैं हाल ही में देख रही थी कि ऋषि के साथ जो हो रहा है कि पूरा दिन मैं उसके साथ बिजी रहती हूँ, पूरा दिन मेरा जा रहा है, मतलब मॉर्निंग से लेकर रात तक मेरा कैसे स्पेंड हो रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा कम हो रहा है। ऑल दो मैं वीडियोस डाल रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और भी वीडियो शूट करूँ, ये सब चल रहा है, लेकिन यू नो मैकेनिकल वे पे चल रहा है। थोड़ा क्रिएटिविटी, थोड़ा प्रोडक्टिविटी, ये सब लाने के लिए मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। अगर सक्सेसफुल हो जाए डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा मॉर्निंग रूटीन रिचुअल। तो हाँ 5 बजे से मैं तो जागी हुई हूँ, मेरा मॉर्निंग रिचुअल मैंने किया है, फिर उसके बाद मैंने वीडियो एडिट किया है, जयनगर का जो वीडियो है पूरा मैंने एंड टू एंड एडिट किया है। तो वो वीडियो एडिट करने के बाद अभी ऋषि भी उठ गया है, तो जनरली ऋषि को मैं 8:30 उठाती हूँ, बीच में वो उठ जाता है लाइक 7:30 अराउंड, लेकिन आज शायद 7:45 उठ गया होगा। मैं इस रूम पे एडिट कर रही थी, उसने आवाज़ भी नहीं दिया, मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं 8:00 अराउंड, 8 से पहले जब मैं घर अंदर गई रूम के अंदर, तब देखिए ऋषि उठा हुआ है, तो मैंने उसको फिर से सुलाया नहीं, क्योंकि ठीक है चलो अभी उठ रहा है ना, तो फिर 9:30 अराउंड ऋषि और मैं दोनों एक साथ सो जाएंगे, क्योंकि मेरा आज का जो वीडियो है उसका काम तो हो गया है। सो या वीडियो एडिट पूरा जयनगर, ये शॉपिंग वाला वीडियो ना एडिट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो वो भी हो गया है। सो या अच्छा लग रहा है, प्रोडक्टिव डे। तो सुबह से 3 घंटे में मैंने बहुत सारा काम भी कर लिया है, ऋषि का जो कपड़ा है वो भी धुलने में दे दिया है, और आज पंचमी है, आज थोड़ा प्लान है कुछ कुछ, तो वीडियो में बने रहिए देखने के लिए कि आगे आगे हम दुर्गा पूजा के लिए और क्या क्या करते हैं। और ये देखो ये कौन है, ये कौन आ गया, कौन मेरे वीडियो में अपीयरेंस दिया है, गेस्ट अपीयरेंस। ये देखो ऋषि, हाय करो सबको,
अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने बताया नींद से उठा है, तो अभी इसका थोड़ा मैं बाहर मतलब इधर ही कभी कभी बैल्कनी पे या तो फिर मेरे डोर के बाहर थोड़ा सनलाइट आता है, थोड़ा यू नो नेचर में उसको थोड़ा लेके जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, वो देखता है थोड़ा हवा जो है खुला हवा नेचर थोड़ा इन्जॉय करता है, थोड़ी देर के लिए मैं लेके जाती हूँ। और या तो चलो बाहर चलते हैं सुबह सुबह। और ये देखो मैंने शाखा पोला पहन लिया है, दुर्गा पूजा का टाइम है ना इसलिए। अरे 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 क्या हो गया क्या हो गया, मैं हूँ इधर बेटा, तुम खेलो इधर खेले करो। हाँ तुम खेलो, मैं थोड़ा आती हूँ ठीक है। हाँ यू एन्जॉय, अब खेलो मैं थोड़ा आती हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट खाना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है ना, अब खेलो मैं खाना लेके आती हूँ ठीक है ओके। ये देखो उल्टा हो गया, अभी ना ये पलटने सीखा है ठीक है, तो इसको सीधा करके अब लेटा नहीं सकते हो, थोड़ी देर के बाद ही ये उल्टा हो जाता है पलट जाता है। ऋषि ये ऋषि क्या हो गया, अब खेलो। एंड दिस इज माय ब्रेकफास्ट, आज सुबह थोड़ा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है मेरा, क्योंकि कल सोमवार था, थोड़ा लाइट वेज में लाइट खाते हैं हम इसलिए। नाउ इट्स 9:00 एंड ही इज़ गिविंग सिग्नल दैट ही इज़ स्लीपी, हाथों से वो अपने आंखें रब कर रहा है और थोड़ा सा वहीं 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 कर रहा है। अरे स्लीपी दिखा दो सबको, आप कैसे स्लीपी हो दिखा दो, अब स्लीपी कैसे हो। दोस्तों अब है वो मुश्किल घड़ी, तो क्योंकि ऋषि अभी 6 महीने का हो गया है, अभी उसको थोड़ा थोड़ा करके सॉलिड स्टार्ट करना है, तो इसलिए अब तामझाम देख के आप समझ ही सकते हो कि उसका सॉलिड हमने स्टार्ट किया है। सॉलिड मतलब पूरा सॉलिड नहीं ऑफकोर्स, प्यूरी फॉर्म में अभी हमने शुरू किया है, एप्पल कैरेट फिर बनाना, तो आज बनाना प्यूरी दे रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा था ये जर्नी इतना मुश्किल नहीं होगा, बट ही इज़ नॉट रेडी टू टेक सॉलिड, ही इज़ नॉट ओपनिंग हिज माउथ ऑनली। तो अभी देखो पूरा हाई चेयर पे सब कुछ देके, आज ना मैंने नया तरीका किया है, अभी हाई चेयर पे बिठाया था इस पे नहीं दिया था, आज मैंने थोड़ा सा ये बनाना दिया है, क्योंकि कल मैं देख रही थी ये बनाना अगर देती हूँ तो ऐसे लीक कर रहा था, वो थोड़ा सा सक भी कर रहा था, तो अगर ऐसे भी उसको थोड़ा बहुत अलग टेस्ट मिल जाए तो भी सही है। चलो आज फिर से हम ट्राई करेंगे बनाना, कल फर्स्ट डे था बनाना प्यूरी का, तो हार्डली वो 1 या 2 चम्मच लिया होगा अंदर मुंह के अंदर, नहीं तो नहीं लेता है, तो अब आप ही देख लो। ऋषि बनाना बनाना बनाना, वो देखो मुंह क्लोज कर रहा है, बनाना लो 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 बनाना। आपको इसका असली एक्सप्रेशन दिखाती हूँ, ऋषि बनाना 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 लो लो, यम्मी 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 टेस्टी बनाना, हे यम्मी यम्मी टेस्टी बनाना। अच्छा ये लो यम्मी यम्मी टेस्टी बनाना, कल तो ले रहे थे बेटा, ये चाट के तो देखो ये देखो ये थोड़ा सा ये लिक कर रहा है, चाटो चाटो थोड़ा सा टेस्ट मिलेगा ना आपको, हाँ कुछ अलग टेस्ट तो मिलेगा, लो लो लो। नो नो कोई फायदा नहीं, ये देखो
ये देखो सारे आंटी देख रहे हैं कि आप नहीं खा रहे हो। छी लो लो सना, लो बेटा। अभी मैंने मतलब लास्ट फीड और इस फीड के बीच में 1.5 घंटे का गैप भी है, ऐसा नहीं है ये भूखा नहीं है, इसको भूख लगा है, अब शांत हो गया है, आप देख ही सकते हो, तो इसको भूख लगा है लेकिन फिर भी ही डजंट वांट टू टेक। थोड़ा सा ले लो। अब मैंने सोचा है कि मैं इसके साथ ना मेरा अपना जो मिल्क शेक है इसमें डाल के मैं पीती हूँ स्पून से, ताकि उसको लगे कि हाँ ये खाने की चीज़ है। अच्छा मम्मा भी खाएगी, बेटू भी खाएगा, ये देखो ये देखो। थोड़ा सा लिया है, आई नो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये पूरा ब्रेस्ट फिट पे था, सडनली ये शिफ्ट करने में ही इज़ नॉट टेकिंग इट सो स्मूथली। अभी तक का सीरियसली ऋषि के साथ पूरा जो जर्नी था बहुत स्मूथ था, लेकिन जब से मैंने ये सॉलिड स्टार्ट किया, पहला दिन एप्पल प्यूरी दिया था, वो एप्पल प्यूरी उसने बहुत अच्छे से लिया था, ठीक है, करीबन 4-5 स्पून तो ले लिया था। उसके नेक्स्ट डे से ना कुछ भी अब दे दो तो ऐसा कर रहा है। देखो देखो इसका शक्ल देखो, मैं ना अच्छे से दिखाती हूँ। ऋषि देखो देखो होंठ देखो, ऋषि ऋषि लो लो लो, ऋषि इलो इलो, नहीं देखो ना। मैं अभी फोर्स फीड भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अगर शुरू में ही उसको लगेगा कि हाँ ये खाने वाला चीज़ इतना वो है, डर बैठ जाएगा तो आगे नहीं खाएगा। ठीक है आई विल गो स्लो, तब तक मैं अपना मिल्क शेक पी लेती हूँ। ये देखो बेटा मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो। बी फ्रेंडली विद स्पून, लो लो ना। अब देखो मुंह खोल रहा है, खुद से लिया, खुद से स्पून लिया तो मुंह खोल रहा है, पता नहीं इसको सेल्फ फीडिंग बोलेंगे या क्या बोलेंगे। तुम खुद खाओगे, खुद लो, आज लो, खुद वो खुद खा रहा है। वेरी गुड, ये खुद वो खुद खा रहा है, वेरी गुड। इधर उधर हो जाएगा, आई नो इट विल बी अ मेस बट इट्स ओके एज फार एज यू आर ईटिंग। ये लो यम्मी है ना, ये चम्मी। ओके यू क्रिएट मेस, नो प्रॉब्लम, मम्मा विल क्लीन इट। जब तक आप खा रहे हो तो ठीक है। देखिए नाक पोंछ दू बेटा एक मिनट बाबा। और थोड़ा सा मतलब अभी मुंह खोल रहा है, वो ना प्लेट को मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है, तो हाँ अभी मुंह खोल रहा है, देखो। I'm so happy. सच्ची में मदरहुड ऐसा होता है, मुझे पता नहीं था, मुझे इतनी खुशी हो रही कि वो खा रहा है। Oh my God. शोना बाबा। मेरा दिन का ना एक बहुत मेजर पार्ट जो है वो हो गया है, दैट इज़ ऋषि को सॉलिड ट्राई कराना, वो तो आप लोगों ने देखा ही है, और उसके बाद उसका मालिश देना, फिर नहलाना, फिर सुलाना, ये एक मेजर पार्ट होता है मेरा दिन का। इसी में 12:30 हो जाता है, तो दिन का आधा स्पेंड हो जाता है।
उसके बाद मैं किचन में कुछ काम करती हूँ, चावल चढ़ाती हूँ और फिर थोड़ा कुछ साफ सफाई है वो करके फिर मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद डिनर लंच करती हूँ, 2:30 बज जाता है, फिर 3 बजे, फिर 1 घंटे के बाद ऋषि भी उठ जाएगा, फिर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर 3:30 बजे के अराउंड ऋषि फिर से थोड़ी देर के लिए सो जाता है। तो कभी कभी मैं तब सोती हूँ, अगर सोना नहीं हुआ तो मैं कुछ एडिटिंग या कुछ करती हूँ, तो यही चलता है। तो मैं बोल रही थी ना, मेरा रेगुलर साइकिल ऐसा ही चल रहा है और कुछ भी करने का कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा है, खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी तो दुर्गा पूजा आ रहा है, तो मैंने आज सोचा कि आज थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालूँ, सेल्फ केयर कुछ करूँ। तो ऐसे ही देख रहे हो फेस में कुछ पिंपल वगैरह निकला हुआ है, तो सोच रही थोड़ा घर पे फेशियल करती हूँ। पता है फेशियल वगैरह ये सब मैं घर पे करना ही पसंद करती हूँ। इस मामले में आप बोल सकते हो मैं काफ़ी घरेलू हूँ, मैं पार्लर जाके इतना टाइम और पैसा बर्बाद करने में मैं उतना बिलीव नहीं करती, क्योंकि फेशियल जो है ना वो घर पे भी किया जा सकता है। या अगर आपको वो एक्स्ट्रा बहुत एडवांस्ड फेशियल आजकल जो हुआ है ना, वैसा वाला जो इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है वैसा वाला नहीं कराते हो, तो बेसिक क्लीनअप और जो फेशियल होता है ना, मुझे लगा डूशी उठ गया, बेसिक क्लीनअप और जो फेशियल होता है ना वो तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ भाई। और बेसिक क्लीनअप अगर आप रेगुलरली करोगे तो पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इस मामले में मैं बहुत मैं बहुत वैसा हो कि सेविंग्स हो रहा है कि इस मामले में मैं बिल्कुल भी पार्लर में मैं पैसा नहीं देती हूँ। लेकिन आप लोग होंगे, आप लोगों को पता ही होगा कि पार्लर जाते हैं तो कितना हज़ार निकल जाता है, एक एक फेशियल 5-6 हज़ार का होता है। उसके ऊपर से अगर मसाज करो, अगर आप वो कराओ पेडिक्योर मैनिक्योर, तो महीने के 8-10 हज़ार तो वैसे ही निकल जाता है पार्लर में। और इवन मैं जो आईब्रोज है वो भी मैं पार्लर से नहीं कराती हूँ आजकल, तो मैं जो आईब्रोज के लिए जो छोटा छोटा रेजर आता है ना उससे कर लेती हूँ, बहुत मस्त हो रहा है। और पार्लर सिर्फ और सिर्फ मैं हेयर कट के लिए जाती हूँ और कुछ नहीं। तो इस मामले में आई एम सेविंग मनी, ये कि मैंने नहा लिया है और अभी दुर्गा पूजा चल रहा है ना, आज पंचमी है, तो अच्छे से फूल वूल लेके पूजा किया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अभी क्या है ना, मास्क लगा के मैंने नहाने के लिए चली गई, अभी थोड़ा सा ब्लैक हेड्स रिमूव ये सब करूँगी, तो उसके लिए फिर से मुझे थोड़ा सा स्टीम चाहिए ताकि मेरा जो पोज है वो ओपन हो जाए। मीनवाइल ये देखो कौन है, ये उठ गया है, काफी देर हो गया उठ गया था, इसका इवनिंग नैप। क्या चाहिए, हाथ देखो आगे की तरफ जा रहा है हाथ। चलो इधर से स्टीम आएगा, गरम गरम स्टीम, यू शुड गो अवे, ठीक है आप इधर रहो, मम्मा अभी स्टीम लेगी। अगर आपको बेसिक कुछ स्टेप्स पता है ना कि फेशियल में क्या होता है, थोड़ा सा मसाज करना सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड मोशन में, फिर क्लींजिंग क्रीम मसाज, फिर थोड़ा सा स्टीम लेना ताकि आपका पोज ओपन हो जाए, फिर उसके बाद जेल लगाना, पैक लगाना, फिर ब्लैक हेड्स रिमूव करना, मेरे पास ये है ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए, बहुत सही है। ब्लैक हेड्स, अगर बहुत ज़िद्दी ब्लैक हेड्स है, जैसे कि मेरे हस्बैंड के नोज़ पे बहुत ज़िद्दी ब्लैक हेड्स है, वो तो नहीं निकलता है, लेकिन वाइट हेड्स तो 100% बहुत अच्छे से निकल जाता है, ये बहुत अच्छा है, आप लोग खरीद सकते हो, अगर मुझे मिला तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। तो यही मैं अभी यूज़ करती हूँ, पहले ना वो पिन से ऐसे ऐसे निकालना बहुत दर्द होता था, इसमें दर्द भी नहीं होता है और ब्लैक हेड्स निकल भी जाता है। Thank you.
अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर उस पेंडल पे, जिस पेंडल पे हम जनरली जाते हैं, हमारे पास वाला पेंडल जहाँ पे अष्टमी का अंजलि और कल षष्ठी है। तो हमारे बंगाली में षष्ठी करते हैं अपनी बच्चों के खुशहाल ज़िंदगी के लिए, षष्ठी का व्रत जो है वो रखते हैं। तो आज दिस ईयर विल बी द फर्स्ट ईयर फॉर मी, क्योंकि मैं अभी ऋषि के लिए षष्ठी का व्रत रखूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि चलो एक बार उधर जाके पूछ के आते हैं कि कितने बजे है, क्योंकि इस बार जो टाइमिंग है ना सब बहुत जल्दी जल्दी है, लाइक बहुत अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो आज सोचा है कि उधर जाके थोड़ा पूछ के आओ, उस हिसाब से मुझे उधर पूजा देने के लिए थाली वगैरह सब देना पड़ेगा माता को, तो इसलिए हम उधर जा रहे हैं। मैं आज कुछ फैंसी कुछ नहीं पहना है, नया वाला, ये लास्ट ईयर दुर्गा पूजा के टाइम पे मैंने खरीदा था वही मैंने पहन लिया है अभी। और अभी जा रहे हैं हम, बस मैंने कुछ मेकअप वेकअप नहीं किया, ऐसे ही हम जा रहे हैं बस पूछने के लिए कि टाइमिंग क्या है, अष्टमी का अंजलि का टाइमिंग क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कल जो षष्ठी है उसका टाइमिंग क्या है वो जानने के लिए हम जा रहे हैं। तो इवनिंग हो चुका है, 7 बज चुका है, सो लेट्स गो। तो अभी हम आ गए हैं कृष्णा टेम्पल, जहाँ पे हम हर बार आते हैं, ओह माय गॉड, और आते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखो। सो दिस इज द कृष्णा टेम्पल कोरमंगला, और इधर होता है दुर्गा पूजा। बेबी फुचका, आई थिंक डॉग शो है उधर शायद, बेबी डॉग शो है शायद, इतने सारे डॉग, ऋषि डॉग्स, देखो देखो उसको, ओ माय गॉड आई एम स्केर्ड। वाओ इट्स यू, ओके घोड़ा ना এদিকে দেখো না ওকে, বাচ্চাদের দেখার জন্য, ও মাই গড, সিঙ্গারা বিক্রি হচ্ছে, डॉक्टर पॉल्स, सारे बड़े बड़े डॉग्स, छोटा मोटा कुछ नहीं है। क्योंकि आज पंचमी है ना, तो इसलिए माता का मुंह अभी ढका हुआ है, कल ये सब ओपन होगा। आई थिंक इट्स अ गर्ल। देखो चिकन, उसको भी चिकन करी का भी कपड़ा पहनाया है, अपने चिकन करी नहीं दिया ये भी चिकन करी उत्तरी बीबी थोड़ा प्यार करो। Thank you.
तो अभी हम आए हैं एक जगह पे थोड़ा सा खाना वाना खाने के लिए। ये देखिए, ये देखो दोस्तों, हमारा खाना आ गया है। दिस इज पुदीना राइस और ये है बटर, ओपन बटर मसाला डोसा। वाह, बहुत सारा बटर है इसमें।